हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सब जानकारी और हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीएफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एक पीएफ मेंबर हैं, अब आपने कंपनी से काम छोड़ दिया है और आप पीएफ का पूरा फाइनल पैसा निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? छोड़ने से पहले दोस्तों आपको रिजाइन देना होगा। यदि आप किसी कारणवश कंपनी में रिजाइन नहीं दिया है तो आप ऑनलाइन ही रिजाइन सबमिट कर सकते हैं। यह सुविधा ऑनलाइन पीएफ पोर्टल पर उपलब्ध है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में भी लिंक इसका शो हो रहा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को देखें और आप जान पाएंगे कि कैसे उसका रिजाइन हम ऑनलाइन अपडेट कर देंगे। उसके बाद ये पुनः आप ये वीडियो देखें, तो इसमें आफ्टर रिजाइन के बाद का जो प्रोसेस है वो मैंने बताया। पीएफ फाइनल कैसे निकालेंगे? फाइनल पीएफ का पैसा दो पार्ट में निकाला जाएगा। इसका पार्ट नंबर ए हमने इस वीडियो में बताया है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू से शुरू करते हैं वीडियो। तो अब हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पर। इसमें टाइप करना आपको ईपीएफओ, देन इसका मेन वेबसाइट ओपन होगी। इसमें आपको एरो शो हो रहा है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। अब हम आ जाते हैं यूएन मेंबर पोर्टल पर। यहाँ आपको अपने यूएन नंबर और पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। ये नंबर एंटर किया एंड देन हम पासवर्ड अपना डालेंगे, उसके बाद साइन इन करेंगे। तो आप मेंबर पोर्टल पर साइन इन हो जाते हो। तो दोस्तों एक बार मैं आपको इसमें रिजाइन दिखा देता हूँ, रिजाइन अपडेट है या नहीं। व्यू पर क्लिक करेंगे, सर्विस हिस्ट्री में क्लिक करेंगे। इसमें कंपनी की डिटेल आ जाती है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि डेट ऑफ एग्जिट ऑलरेडी सबमिट है। तो अब हम ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करेंगे एंड देन क्लेम फॉर्म 19 पर क्लिक करेंगे, जैसा कि अभी आपने एरो में देखा। और अब हमें टाइप करना है अपना अकाउंट नंबर दोस्तों। तो आपको वेरी केयरफुली चेक कर लेना है अपना अकाउंट नंबर, जो आपने इसमें केवाईसी में दिया है वही मेंशन करना है इसमें। ओके, पॉपअप को यस करना है इसको, उसके बाद प्रोसीड टू क्लेम नाउ पर क्लिक करेंगे। थोड़ा समय लेगा दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया पीएफ फाइनल दो पार्ट में निकालेंगे। फर्स्ट आपको फॉर्म 19 सबमिट करना है दोस्तों। फॉर्म 19 सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना एड्रेस सबमिट कर लेना है। तो आपको जो एड्रेस आपका होगा पूरा एंटर कर लेना है इसमें दोस्तों, एंड अपना पिन कोड टाइप करना है। उसके बाद आपको कैंसिल चेक या पासबुक का फर्स्ट पेज का फ़ोटो अपलोड करना होगा। और ध्यान रखें 100 KB से 500 KB के बीच इसका साइज होना चाहिए। एंड डिक्लेरेशन को टिक करेंगे, OTP का ऑप्शन आपके सामने ऑफ शो हो जाता है, इसको क्लिक करेंगे। अब आपका जो आधार में नंबर रजिस्टर्ड है उस पर आपका मैसेज गया है, उस मैसेज को इसमें मैसेज बॉक्स में टाइप करेंगे। तो अब हमारे पास मैसेज आ गया है, हम इसको टाइप करेंगे और उसके बाद सबमिट क्लेम नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं थोड़ा समय सर्च होने में लेगा एंड देन आपका क्लेम सबमिट सक्सेसफुली हो गया है। अब आपका फॉर्म 19 का पैसा आ जाएगा सारा। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो करना है, उसकी भी मैं वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया वो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।